नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। जानेंगे इस वीडियो में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका ये जो एटीएम कार्ड है, जो वेलकम किट है, वो किस तरीके की देखने को मिलती है और इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं हमारे सामने है, ये है यूनियन बैंक का ये वेलकम किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की भी ब्रांडिंग दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बैंक है इसके साथ मर्ज हो चुकी है ऑलरेडी। और यहाँ पे वन नेशन वन कॉमन मोबिलिटी कार्ड, रुपए कार्ड यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो डेबिट कार्ड है ये हमें दे दिया गया है इसके साथ में, और इसके साथ में हमें एक पासबुक भी प्रोवाइड की गई है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। देख सकते हैं इसके अंदर से मैंने डॉक्यूमेंटेशन निकाल लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ये हमारा रुपए कार्ड है, इसको भी अभी मैं आपको ओपन करके बताऊंगा और इसके क्या क्या फीचर्स है वो भी जानेंगे। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक पासबुक देखने को मिलती है जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स है वो प्रिंटेड है। मैं यहाँ पे आपको हाथ लगा के बता देता हूँ, ये जो डिटेल्स है यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाथ रख लिया ताकि ये प्राइवेसी के रीजन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बचत अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है यूनियन बैंक का, और इस तरीके का यहाँ पे इनके जो लॉग आउट रहता है यहाँ पे इनका जो रहता है वो ये रहा है और ही है। आप देख सकते हैं मैंने जूम करके बता दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने जो मेन चीजें थी वो ब्लर कर दी है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो जो लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे इन्होंने इनकी जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको क्लियर कर रखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने साथ ही साथ जो यूनियन बैंक है उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस जो एटीएम कार्ड की है, इनके डेबिट कार्ड की, वो सारे इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। और ध्यान में रखने लायक बात ये है कि इन्होंने ये भी बता रखा है कि इसको जो पिन जनरेट करना है वो आप पिन जनरेट भी कर सकते हैं, ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू मिल सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पिन है वो जनरेट करना यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है। मतलब आपको जो पिन है वो चेंज करना होगा ओटीपी के थ्रू, और यहाँ पे जो सीवीवी नंबर है वो आपको किसी को भी देना नहीं है, वो हमेशा आपको छुपा के रखना। इन्होंने ये बताया, ये तो सारी चीजें सभी को पता है, कॉमन है। बट सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एनुअल फीस है वो 125 है। अगर आप रुपए कार्ड भी इनका लेते हैं, जो इनका जो सेविंग्स अकाउंट रहता है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर रुपए कार्ड का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, कितना, 125 रुपए प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता रखा है कि यहाँ पे आपको पर ईयर देना होगा, मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार दे दिया दूसरी बार नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको पर ईयर ये देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दूसरी भी सारी चीजें बता रखी है, जैसे कि आप इसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं। वेव ऑफ करने के लिए इन्होंने कुछ मतलब रूल्स बता रखे हैं, टर्म एंड कंडीशन जिसको आप। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी बता रखा है इस कार्ड के जरिए, ये जो कार्ड है आपका भीम ऐप, यूपीआई और ये जो आपके रहते हैं यू मोबाइल एप्लीकेशन, इसको भी सपोर्ट करता है। वरना क्या होता है जो इसके पे जो पुराने कार्ड रहते थे वो यहाँ पे काफी कार्ड ऐसे थे जो यूपीआई और वगैरह ये सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसमें ये सपोर्ट देखने को मिल गया है, मतलब आप कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली है। और दोस्तों इस जो पेज है इसके पीछे इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी यहाँ पे हिंदी में इन्होंने लिख दी है, जिसका मतलब है आप सारी चीजें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो। अब बात लेते हैं मेन जो कार्ड है, कार्ड को लोगों काफी लोग देखना चाहते थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस तरीके का जो कार्ड है उसका कवर है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको पूरा कार्ड ओपन करके बताऊंगा, बट सिक्योरिटी रीजन से इनके जो नंबर्स है वो मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएफसी का भी निशान दिया गया है, मतलब काफी लोग इसको वाईफाई कहते हैं, इसको एनएफसी कहते हैं। ये जो एनएफसी का सपोर्ट देखने को मिलता है इसका मतलब यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना, कभी भी किसी को पेमेंट करना हो तो आपको पिन कोड भी देने की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये है इनका जो कार्ड है वो ये रहा मेरे हाथ में है। ये जो कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो नंबर्स है वो हाइड कर लिए हैं, परंतु अगर आप देखें तो यहाँ पे एनएफसी का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। यूनियन बैंक के ऊपर ब्रांडिंग भी दे रखी है, यूनियन बैंक की ब्रांडिंग है यहाँ पे, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक की ब्रांडिंग है। और इन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बता रखा है 100 ईयर्स इन्होंने सर्विस कंप्लीट कर रखी है, ईवीएम चिप वाला कार्ड है। और यहाँ पे अगर आप अपना नाम प्रिंट करवाना चाहें तो नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। और ये जो डेबिट कार्ड है इसमें आपको एक
प्रीपेड कार्ड की भी फैसिलिटी बैंक ने साथ में दी है। अगर आप इसको प्रीपेड कार्ड ऐसे यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएफसी का सपोर्ट को बता रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे इनका सीवीवी कोड दिया है जो मैंने हाइड कर दिया है, और जो बैक साइड है वो जो नॉर्मल सभी कार्ड की रहती है उसी की तरह है। बट ये जो कार्ड है दोस्तों, इसकी जो डिजाइन है वो पर्सनली मुझे काफी बढ़िया लगी है। काफी अच्छे तरीके से इस कार्ड को डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके दूसरे जो फीचर्स है जो मैंने अभी आपको बताया था एनएफसी वाला फीचर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एनएफसी का निशान दिया गया है, मतलब काफी लोग इसको वाईफाई कहते हैं। इसका यूज होता है यहाँ पे आप दोस्तों मैक्सिमम इससे 5000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन में पहले जो 2000 का ट्रांजेक्शन होता था उसके लिमिट है वो आरबीआई ने बढ़ा के 5000 कर दी है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी अगर कहीं भी पीओएस मशीन पे जाए या फिर पेट्रोल पंप पे जाए, जहां पे भी ये जो कार्ड स्वाइप करने की जो मशीन रहती है, पीओएस मशीन है, पेमेंट करने की रहती है, वहां पे आपको कार्ड स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वहां पे सिर्फ आपको अपना कार्ड टच करना है तो ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाता है। मान लीजिए ये जो मेरे पास है वो भी एक राउटर है, ये क्या है, यहाँ हमारा पीओएस मशीन है। ये जो पीओएस मशीन है इसके पास मान लीजिए ये रहा हमारा कार्ड है, अगर इस कार्ड को हम सिर्फ ऐसे टच करेंगे, छुएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट है वो हो जाता है वाईफाई के जरिए, मतलब एनएफसी के जरिए। और अगर आप यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो कवर के अंदर रहता है या फिर आपके वॉलेट के अंदर भी रहता है और अपना वॉलेट है आप वो यहाँ पे टच करते हैं तब भी आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, आपका टाइम की बचत रहती है, सेफ्टी भी रहती है, और फिर अगर आप इसको ब्लॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। ये काफी अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है यूनियन बैंक की तरफ से, और मैं आशा करता हूं जो यूनियन बैंक की फैसिलिटीज है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और आगे इंक्रीज होगी। यूनियन बैंक के जो नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसको आप जाके आई बटन में देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए यूनियन बैंक नेट बैंकिंग रियल एजुकेशन, इतना लिख के सर्च करने के बाद में भी आपको वहां पे नेट बैंकिंग के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे यूनियन यहां पे रियल एजुकेशन चैनल की तरफ से। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको यहां पे चेकबुक के साथ में देखने को नहीं मिल रही है, जैसे मुझे चेकबुक साथ में देखने को नहीं मिली तो वो मुझे है बाय पोस्ट आने वाली है, तो जो बाय पोस्ट आएगी तो उसका भी मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको बाय पोस्ट देखने को मिलती है, सारी डिटेल्स उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है इसमें एक भी रुपया बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है, यहां पे आपका बैलेंस है वो जीरो अकाउंट रहता है तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। आशा करता हूं आज जो मैंने वीडियो बनाया आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।